Now my next example is evaluate square root of 4, 3, 5, 6. Means your question automatically convert in this form. हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? अगेन वही प्रोसीजर, हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 4, 3, 5, 6. 2 से डिवाइड देंगे बिकॉज इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16. 2 1 ज़ा 2, 0 आएगा, 17 बन जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्टली कर रही हूँ, वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आपको ऑलरेडी आता है. आपको नहीं आता है तो आप डिवाइड दे दे के इसे सॉल्व करके देख सकते हैं. अब अगला डिवीजन जाएगा 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, एंड 121 जो है वो 11 से ही डिवाइड होता है, तो ये आ गया, ठीक है? सो इट मीन्स हमारे पास इसके जो फैक्टर आ गए हैं वो क्या आए हैं, 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 11 × 11. शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, ये दो पेयर बना लिए, ये दो पेयर बना लिए, ये दो पेयर बना लिए, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये दो का एक हो जाएगा, इन दो का भी हम एक ले लेंगे और इसका भी हम एक ले लेंगे. अब यहाँ पर मैं इसके पीछे क्या प्रोसीजर है वो नहीं बता रही हूँ, बिकॉज आई हैव टेकन सो मेनी एग्जाम्पल, तो इसलिए अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये पता है. नाउ 3 2 ज़ा 6 × 11 इज 66, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 4, 3, 5, 6 इज 66. आपको अगर डाउट है कि हमने गलत किया है तो आप 66 एंड 66 को चेक मेथड अगर लगाना चाहते हैं आप, 66 × 66 करिए, इट शुड बी इक्वल टू 4, 3, 5, 6. और अगर ये नहीं होता है मीन्स हमने कहीं गलती करी है, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस आपको करना है. अनदर वन इज इवेलुएट स्क्वायर रूट ऑफ 11, 0, 2, 5, ठीक है? मीन्स हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. अगेन द सेम प्रोसीजर, वी नीड टू डू प्राइम फैक्टर्स. अब ये लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से देंगे इसे हम, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5. यहाँ पर ये 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 7 7 ज़ा 49, एंड 7 1 ज़ा 7. इसके फैक्टर्स आ चुके हैं, 11025 इज इक्वल एंड टू 5 × 5, 3 × 3, एंड 7 × 7. अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन ले रहे हैं उनके इक्वल एंड प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, मीन्स पेयर हमें इजीली मिल रहे हैं, ठीक है? ये दो हो गए, ये दो हो गए, ये दो हो गए. इस कैप को रिमूव करना है तो इन दो का हम एक कर लेंगे, मीन्स टेक आउट 1 5 फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट. 3 को बाहर निकाल लेंगे एंड 7 को निकाल लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो योर आंसर विल बी 105. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 11025 इज इक्वल टू 105. इफ यू वॉन्ट टू चेक देन यू विल मल्टीप्लाई 105 × 105, तो रिजल्ट शुड बी इक्वल टू दिस, ठीक है? तो ये बहुत ही ईजिली हमने इसको समझा. अब हम जो ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में स्क्वायर रूट करते आ रहे थे एप्लीकेशन लेंगे, ठीक है? आपको खुद समझ में आएगा कि हम ऑलरेडी इसे पढ़ चुके थे बट हमें पता नहीं होता था कि हम स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे हैं. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट इज इन एन ऑडिटोरियम, इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू
the number of chairs in each row. If the capacity of auditorium of auditorium is 2025, find the number of chairs in each row. ठीक है, means auditorium जो है उसमें कुछ rows हैं, like 3 rows हैं. तो सिमिलरली ऐसे चेयर का भी डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, इक्वल रोज एंड इक्वल चेयर्स. स्क्वायर जैसा शेप हो गया ऑडिटोरियम के रूम का, मीन्स उसका शेप किस तरह से हो गया, स्क्वायर की तरह. अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो निकालना है. और हमें टोटल दिया हुआ है कि जितनी रो है जितनी चेयर है वो सब मिला के 2025 है. इन डायरेक्टली यू कैन से द एरिया दिया हुआ है, जो टोटल उसमें नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ रोज है वो 2025 है. तो हमें नंबर ऑफ चेयर निकालने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा. सो व्हाट विल डू, लेट द नंबर ऑफ, कुछ अज्यूम करेंगे नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज एक्स. ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि लाइक 3 रो है तो 3 चेयर है, हर जगह पर 3 चेयर है. 4 रो है तो 4 चेयर है. 5 रो है तो 5 चेयर है ना. हमें खुद नहीं पता है कि क्या केस है, जितनी रोज है उतना स्क्वायर आपका बड़ा होता जा रहा है. तो हमने क्या अज्यूम किया कि लेट द नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो इज एक्स, देन द नंबर ऑफ रोज इज ऑल्सो एक्स. जितनी चेयर है उतनी ही रोज है. सो टोटल नंबर ऑफ चेयर, नंबर ऑफ चेयर्स इन ऑडिटोरियम इज जितनी रोज जितनी चेयर्स. सो एक्स इंटू एक्स. हम यहाँ चाह के भी अलग अलग नंबर नहीं ले सकते, अलग अलग वेरिएबल नहीं ले सकते, बिकॉज दे आर क्लियरली सेइंग जितनी रोज हैं उतनी ही चेयर्स हैं. तो लेट से हमने वेरिएबल एक्स लिया, तो एक्स ही चेयर्स है, एक्स ही रोज है. तो एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर हो गया, बिकॉज बेस सेम है तो पावर जो है वो एड हो जाएगी. अब ये टोटल मिला के जो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2025. सो एक्स इक्वल टू क्या होगा, अब स्क्वायर रूट ऑफ 2025. फाइन, अब स्क्वायर रूट है तो इसे निकालने का वही तरीका कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे. जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से देंगे, बिकॉज लास्ट डिजिट जो है वो 5 है. सो आ जाएगा 405. फिर 5 से देंगे तो 5 8 40 1 आ जाएगा. ये 3 से जाएगा 27. 3 9 3 3 एंड फाइनली 3 1. सो नाउ वी हैव फैक्टर्स ऑफ 2025. क्या फैक्टर आए, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 एंड एक और 3 इंटू 3. पेयर्स मिल गए हैं तो बहुत ही सिंपल है. हमने शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा है कि जब भी हमें पेयर्स मिल जाएं तो वो कैप से बाहर निकालना है, तो एक कर देंगे. टेक आउट 1 5 फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट, टेक आउट 1 3 फ्रॉम दिस स्क्वायर रूट. सिमिलरली ये 5 3 15 3 45. मीन्स ये जो ऑडिटोरियम था यहाँ पे चेयर जो लगी थी 45 और ऐसे ही नंबर ऑफ रो भी कितनी थी 45. हर रो में 45 चेयर्स थी और रो भी 45 थी. यानी ऑडिटोरियम बहुत बड़ा था, उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, उसमें 45 पर्सन एक लाइन में, फिर 45, फिर 45, ऐसे 45 टाइम्स तक वो बैठ सकते हैं. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायर रूट. एक और एग्जांपल लेंगे. अनदर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर इज
1600 square meter. Find its size. ठीक है, स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज योर स्क्वायर. इसका जो टोटल एरिया है दैट इज इक्वल टू 1600 स्क्वायर मीटर एंड वी नीड टू फाइंड द साइड. सो लेट्स से साइड ऑफ द स्क्वायर इज एक्स. तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे सॉल्यूशन में, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स. अब आप एरिया लिखेंगे. सो द एरिया इज साइड इंटू साइड मीन्स एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर एरिया आ गया. एंड एरिया की वैल्यू जो है वो उन्होंने दी हुई है. व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, 1600 स्क्वायर मीटर. सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. हम क्या करेंगे, 1600 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. और फाइंड करने का एक ही तरीका, हमें प्राइम फैक्टर अप्लाई करना होगा. 2 8 16 200 100 50 25 5 5 and 5 1. हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए. सो इन प्लेस ऑफ 1600 आई कैन इजिली राइट 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2 and 5 into 5. शॉर्ट मेथड अगर आप लगाएंगे तो सबकी पेयरिंग कर लेंगे और उनका एक एक नंबर ले लेंगे. 2 2 का 1 2, इसका भी 1 2, इसका भी 1 2 एंड 5. 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 2 ज़ा 40. सो योर साइड इज मीन्स एक्स इज 40. ऑब्वियस है मीटर में आएगा यूनिट बिकॉज एरिया वॉज इन स्क्वायर मीटर. तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका, 40 मीटर. ये जो स्क्वायर था इसकी साइड आ गई है 40. सारी साइड्स कितनी हो जाएंगी, 40 40 40 40. तो ये हम ऑलरेडी करते थे, बट जब हमें नहीं पता होता था कि हम ये स्क्वायर रूट कर रहे हैं इनडायरेक्टली. ठीक है, बट अब हमें ये क्लियर है कि वी ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट स्क्वायर रूट, बट वी वर नॉट नोइंग दैट वी आर लर्निंग स्क्वायर रूट्स. अभी हम जो एग्जाम्पल लेंगे इट इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल. और राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड एग्जाम्पल लेने से पहले फर्स्ट आई वॉन्ट टू नो यू दैट वॉट इज द राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो. राइट, अब जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो और इसकी हम साइड्स की बारे में बात करें तो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी. ठीक है, एक बेस हो जाएगा एंड ये 90 जिस पे फॉल हो रहा है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा. मीन्स 90 डिग्री ट्रायंगल जो होता है, मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज ऑलवेज हैविंग वन बेस, वन परपेंडिकुलर एंड अपोजिट ऑफ 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस जो होगी वो बड़ी होगी क्योंकि अपोजिट होती है 90 डिग्री की. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है विच इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सेज इफ वी आर हैविंग राइट एंगल ट्रायंगल देन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. मीन्स हाइपोटेन्यूस जो भी दी है, लाइक इट इज 4 5, इट इज 3 एंड इट इज 4. सो 5 स्क्वायर is always equal to 3 square and 4 square. उनको सम कर देंगे. आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप वेरीफाई करके देखें. 3 square is 9, 4 square is 16, means 25 equal to 25. means hypotenuse की जो भी value दी होगी हम उसको equivalent कर सकते हैं perpendicular के square plus base के square के. this is a Pythagoras theorem. इसके साथ हमने ऑलरेडी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पढ़े हैं. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी यही कहता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट के स्क्वायर के.
इनको आप सॉल्व करके देखें तो देखिए आपके पास LHS और RHS इक्वल आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये हमने ऑलरेडी स्क्वायर के अंदर पढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये बताना जरूरी था बिकॉज नाउ माय एग्जांपल इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हूज हाइपोटेन्यूस इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस इज 3 सेंटीमीटर। फाइंड द थर्ड साइड। दे आर क्लियरली सेइंग ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुज हाइपोटेन्यूस इज 5 सेंटीमीटर एंड बेस इज 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये वाली साइड जो है वो नहीं दी, सो लेट्स अज्यूम लेट ए बी बी एक्स सेंटीमीटर। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इन शॉर्ट अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। यस, ए सी की वैल्यू दी है 5, सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे आप लिख भी दें ए सी इज 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 3 और ऑलरेडी हमने ए बी जो अज्यूम की है वो एक्स, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, 5 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हम सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लें जिससे हमें सॉल्व करना इजी हो जाए। मीन्स हमने RHS को LHS की साइड लिख दिया है, LHS को RHS की, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम आइदर यू कैन राइट इन दिस वे और यू कैन राइट इन दिस वे, बट जो वेरिएबल है वो हम प्रिफर करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हो, तो फाइंड करना थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25। हमें फाइंड करना है x, मीन्स एक्स स्क्वायर, 9 जो है उधर जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, मीन्स इट विल कन्वर्टेड इनटू माइनस, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है, द अपोजिट ऑफ प्लस इज माइनस, 25 माइनस 9 मीन्स 16। सो नाउ आई हैव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। आ गए हम स्क्वायर रूट पे, तो x इक्वल टू क्या होगा, रूट 16। रूट 16 होगा तो हम इसे क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी बताया प्राइम फैक्टराइज करेंगे 4 इंटू 4, और अब ये जो दो 4 है तो उसका एक 4 बाहर आ जाएगा एंड विच इज 4 सेंटीमीटर। द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर हमारा क्या क्या अप्लाई हुआ, सबसे पहले राइट एंगल की प्रॉपर्टी लगी विच इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम, तो वो हमें पता होना चाहिए। फिर हमें जो वेरिएबल फाइंड करना है उसको हम प्रेफरेबली लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो हमने वो किया। फिर लीनियर इक्वेशन भी इसमें अप्लाई हो गया क्योंकि सॉल्यूशन निकाला हमने, एंड वेरिएबल फाइंड जो है एक्स, उसको फाइंड करने के लिए हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना पड़ा। तो इस क्वेश्चन में आपकी ज्योमेट्री भी आ गई, लीनियर इक्वेशन भी आ गई, पावर्स भी आ गया, स्क्वायर रूट्स भी आ गया, एंड पाइथागोरस थ्योरम भी आ गए। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास अरेंज अ पिकनिक। अरेंज्ड अ पिकनिक, ठीक है। ईच स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड
as the number of student in the class. As the number of student in a class. If the total contribution is 1156 rupees, find the strength. Find the strength of the class. Bahut hi simple sa practical example hai. This is our class. There are so many students. And I don't know how much students in the class. ठीक है, वैसे तो हमें पता होता है, but let's say अभी हमें नहीं पता है. So हमने क्या assume कर लिया? There are X student in my class. अब सारे student ने कहा कि मैम एक picnic हो जाए, please मैम एक picnic पे लेके चलिए. And will contribute equal amount. Like ये first student है, let's say इसने 10 rupees दिए. सेकेंड ने भी 10 दिए, थर्ड ने भी 10 दिए, फोर्थ ने भी, ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं, लेट से 10 ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो 10 स्टूडेंट हैं एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज कंट्रीब्यूटेड 10 रुपीस, तो मेरे पास टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा, 100 रुपीस. 10 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपीस. बट इन दिस केस वी आर नॉट हैविंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड वी आर नॉट हैविंग द कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट, but we have total collection. So this is class, a number of students and each student is contributing a particular amount जो सारे student ने दिया हुआ है. तो हमें variable assume करना होगा. तो हम क्या करेंगे, let the strength of या number of students of class बी एक्स. हमने कितने अज्यूम किए, ये जितने स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्स एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट, कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑल्सो बी एक्स, क्योंकि हर स्टूडेंट इक्वल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर, ठीक है. तो क्या होगा हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. सो हम लिखेंगे सो द टोटल कंट्रीब्यूशन इज, कंट्रीब्यूशन इज एक्स इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर. इसको फिर से एक बार समझेंगे. 10 स्टूडेंट है और लेट से हर स्टूडेंट ने 20 रुपीज दिया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 200 मीन्स 10 इंटू 20, 10 into 20. Similarly, यहाँ पर हमें जितने student हैं उतना ही contribution है, तो क्या हो जाएगा, x into x which is equal to x square. अब total contribution amount हमें already given है, जो सारे student ने मिला के मुझे दिया है, that is 1156 rupees. तो ये हो जाएगा आपका equation. अब आपको x find करना है, तो क्या हो जाएगा, x equal to 1156 का square root. अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो वी नीड टू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1156, 2 से डिवाइड देंगे, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18. ये जो है किसे जाएगा, आई थिंक इट विल डायरेक्टली गिवन टू द 70. सो ये हमारे पास आ गया 289. अब 289 ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे हम ट्राई करेंगे. सो फाइनली इट विल डिविजिबल बाय 17. 17 17 जा 289 एंड 17 1 जा 17. सो नाउ वी हैव फैक्टर्स ऑफ 1156 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17. अब हम पेयरिंग कर लेंगे एंड 2 का एक टेकआउट कर लेंगे बाहर. ये हमारा प्रोसीजर होता है. तो 34 रुपीस मीन्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज गिविंग 34 रुपीस एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आल्सो 34, क्योंकि 34 फर्स्ट स्टूडेंट ने दिए, सेकंड स्टूडेंट ने 34 दिए,
थर्ड स्टूडेंट ने 34 दिए एंड सिमिलरली 34 स्टूडेंट्स ने 34 रुपीस दिए। 34 इंटू आप 34 करेंगे तो ये इक्वलेंट आएगा 1156 के। मींस इन दिस क्लास देयर आर 34 स्टूडेंट एंड इन दिस क्लास दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 34 रुपीस पर पर्सन। ठीक है, सो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप इस टाइप के एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करिए।